हेलो हेलो हेलो। तो उस ट्रैफिक के बाद अब हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था, विच इज़ चैपमैन्स पीक ड्राइव। और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड ड्राइव है और केप टाउन से बहुत पास है। और जो पीछे पीक देख रहे हैं ना, दैट्स द चैपमैन्स पीक। अगर आप सोच रहे कि अभी चैपमैन कौन है, तो ये एक ब्रिटिश सेलर था, उसका नाम पे है, बट दैट्स द पीक। और ये पूरा बे है, दिस इज़ कॉल्ड द हाउटन बे। और उधर से ही ये चैपमैन्स पीक ड्राइव पूरा चलता है, विच इज़ अ कोस्टल ड्राइव। तो इधर पूरा ओशन होगा और इधर पीछे पूरे ऐसे माउंटेन्स होंगे। और जहाँ हम खड़े हैं वो एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप ये ब्यूटिफुल सी पीक देख सकते हैं माउंटेन्स की, ये बे देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब ड्राइव करेंगे तो आपको पूरा रोड का ड्राइव भी दिखाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़, ब्यूटिफुल चैपमैन्स पीक ड्राइव। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। चैपमैन्स ड्राइव इज सच अ सीनिक रोड। लुक एट दिस। पूरा माउंटेन्स के बीच में से ऐसे ज़िगज़ैग ऐसे करते हुए पूरा रोड जा रहा है, और पूरे माउंटेन्स के ऊपर ऐसे क्लाउड्स आ रहे हैं, सो इट्स मेकिंग इट ऑल द मोर ड्रीमी। एंड फिर ये इधर द वेव्स हिटिंग दीज माउंटेन्स, अमेजिंग इट इज़। इसी टाइप का कुछ क्रोएशिया में भी है, बट क्रोएशिया से ये और 10 times ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैंने और सौरभ ने, सौरभ आई डोंट थिंक सो राइट कि कुछ किया, या एग्जैक्टली, सौरभ का माइक नहीं है बट वो यही बोल रहे, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड दैट वी हैव एवर सीन, सच अ ब्यूटीफुल रोड। आपको पता है क्या ऐसी रोड्स और कहीं साउथ अफ्रीका, यू आर रियली स्पॉइलिंग अस विद योर ब्यूटी। अब हमें से नेक्स्ट कंट्री कैसे अच्छा लगेगा, लेट्स गो। Next destination, which is boulders. Or this opens until 7:30, 6:30, depending on these times. Ticket hai iska, so ticket lete hain pehle. And you would have already seen ki hum yahan kya dekhne aaye hain. Dikh rahe hain. Mujhe laga nahi dikhenge, honestly. But itte saare hain yahan par. See this. Oh. Oh, how are they playing in the whips? Thank you.
देखे आप लोगों ने पेंगुइन्स और वो ना हर एज ग्रुप के मिल रहे हैं, लाइक एक फीमेल है जो अंडा दे रही है, एक फर वाले जो टीनेजर्स हैं जो अभी तक स्विम नहीं कर सकते, जब उनका फर निकल जाता है ना तब वो स्विम कर सकते हैं, और आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं आवाज़ आप लोगों को इस वीडियो में आएगी कि नहीं, तो वो मेल अपना टेरिटरी बता रहा है फीमेल को कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, इसलिए उन लोगों को जैकेट्स पेंगुइन्स बोलते हैं। वैसे ये जो पेंगुइन्स हैं ये है साउथ अफ्रीकन पेंगुइन्स, और जो थोड़े हाइट में छोटे हैं अंटार्कटिका में होते हैं जिनको बोलते हैं किंग पेंगुइन्स, जो कि बहुत बड़े होते हैं, बट दीज आर साउथ अफ्रीकन पेंगुइन्स एंड ये पूरा उनका नेचुरल हैबिटेट है। मैन बहुत सारे हैं, लाइक वर्ल्ड में कम है, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है, तो इट्स लुकिंग अमेजिंग। पिछले लास्ट अराउंड वन आवर से हम लोग पेंगुइन्स को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड They are so so cute. हर एक पेंगुइन कुछ ना कुछ अपना अलग करने में बिजी है। वैसे मैक्सिमम तो स्टैचू की तरह खड़े हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या। तो सोचा कि हमने ऐसे तो हम खड़े रहेंगे, बनाते रहेंगे वीडियो कम से कम 10-12 जीबी के पर। और एक ने बहुत ही फनी चीज़ बोली, एक बंदा आया बोलता है ये देखो टक्सीडोस पहन के खड़े और मुझे बहुत जोर से हंसी आ गया, टक्सीडोस पहन के खड़े बट दे वर रियली क्यूट, छोटे हैं, और जैसे मैंने बताया कि किंग पेंगुइन्स हैं जो कि अंटार्कटिका में हैं वो सबसे बड़े हैं, ये अफ्रीकन पेंगुइन्स हैं तो ये छोटे हैं। इनको देखना बहुत ही एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी एज ग्रुप का आ सकता है आराम से, और बस बहुत भीड़ है, बहुत मतलब इतनी भी नहीं है, अभी देखिए हम अकेले ही वॉक कर रहे हैं, बट है थोड़ी बहुत भीड़। बाकी हर स्टेज वाले देखे अपन ने, राइट, एग भी देख लिया, फिर टीनेजर भी देख लिया, फिर मेटिंग करने वाला जो आवाज़ आता है ना, मैंने जिसको बताया था आप लोगों को क्या बोलते हैं जैकेस, तो इसलिए मुझे हाँ डंकी जैसा आवाज़ निकल रहा है इसलिए जैकेस। और फिर बाकी जो स्विम कर रहे हैं वो वाले भी देख लीजिए जो ग्रोन अप हैं, तो हर एज ग्रुप के अभी इस सीज़न में दिख रहे हैं, आई डोंट नो हर सीज़न में दिखते हैं क्या, बट अभी हम हैं नवंबर एंड में, एंड गुड थिंग इसकी हम लोग वीकडे पे आए तो भी भीड़ थी, मगर वीकेंड इतनी भीड़ नहीं थी जितना सुना था कि और भीड़ रहती है वीकेंड पे, आई एम श्योर इतने बिजी होगा, बट दैट्स गुड थिंग दैट वी आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द वीकडेज। सो मैं गलती से किंग पेंगुइन बोल रही थी, इट्स एम्परर नॉट किंग, एम्परर पेंगुइन। सो एम्परर पेंगुइन मिलते हैं अंटार्कटिका में, फिर ये भी है चिंस्ट्रा पेंगुइन, ये भी अंटार्कटिका वाले रीजन में मिलते हैं, फिर ये वाले पेंगुइन्स रॉक हॉपर पेंगुइन्स, ये थोड़े साउथ अमेरिका में, थोड़े से इंडियन ओशन के आसपास और थोड़े न्यूजीलैंड में मिलते हैं, और ये हैं अफ्रीकन पेंगुइन्स जिन्हें हमने देख लिया है। Megha, what do we have? Again that carrot orange juice. Nice. And I have ice cream. And such a beautiful place here to sit. I'm sitting here. थक गए, बहुत गर्मी थी। Lovely place. Let's drink it. Yes, थक गए, सही बोल रहा है। थोड़ा थक गए, in the sense गर्मी ज़्यादा है। थके नहीं तो कुछ था नहीं, थोड़ा सी walk था। Let's have our juice. I really like carrot juice. सिर्फ carrot juice के लिए ना मैं juicer ले लूँ। But ना मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि juice के पीना है जब full आप carrot खा सकते हैं तो इस चक्कर में ना मैं इतने साल से सिर्फ juicer नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बात तो सही बोल रही थी वो, पर मुझे कैरेट का जूस बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे कहीं भी मिलता है ना तो मैं ले लेती हूँ, और मुझे ये कैरेट का जूस अच्छा लगाया है सौरभ के जीजा जी ने, वो इंदौर में रहते हैं और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कैरेट का जूस पिलाया था एंड इट्स अमेजिंग। तो अचानक याद आया कि हम तो हमारे सैंडविच भी लाए हैं, सो दिस इज सैंडविच विद सम हमस एंड लेट्यूस, और ये डश तरीका है कि जिसमें आपका ब्रेड आया ना उसी के अंदर अपना सैंडविच रख लो, अपना ब्रेड रख लो, वो लोग यूजुअली एक मीट का स्लाइस रख के लाते हैं या चीज़ रख के, हमने थोड़ा सा अपना मॉडिफिकेशन किया है, इसमें हमारे पास सॉल्ट और पेपर नहीं है, इन बट इन एनी केस वी आर बीइंग डच। ऑसम जूस और कॉफी, आइसक्रीम अच्छा था। बाद अब जा रहे हैं, टोटल बिल है 50 रैंड हाँ, और सैंडविचेस हमने खा लिए हमारे, अब जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो क्या है वो देखना है। तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है और देखते रहना ये वीडियो। See you on the next destination, which is going to be one of the famous. यहाँ पे सब लोग hope करते हैं, hope, अच्छी hope करते हैं. Let's go.
And just like Hermanus cliff path, here there is a bench जहाँ से आप बैठ के देख सकते हैं ये beautiful सा view. I think Hermanus से ज़्यादा beautiful ये view है. और हम अभी केप ऑफ गुड होप पहुँचे ही नहीं है, अभी हम हैं फॉल्स बे पे. हम जा रहे थे, जैसे आपको पता ही है, केप ऑफ गुड होप, पर हमारे सामने देखिए कौन आ गया है. ऑस्ट्रिच. और वो अब ड्राइव कर, वो ड्राइव नहीं कर रही, वो चल रही है बिल्कुल रोड के बिल्कुल हमारे सामने. हम उसके पीछे पीछे, वो हमारे आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे. एंड इधर का व्यू देखिए, सौरभ के साइड वाला अमेजिंग अमेजिंग व्यू. और मुझे लगा कि वो वाइल्ड लाइफ. हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ओशन से पास रह सकते हैं ऑस्ट्रिच. लाइक आई थॉट दे वाज बी स्टेइंग इन लाइक माउंटेन्स और लाइक अ फ्लैट टेरेन, आई डोंट नो, लाइक नॉट नियर टू द ओशन. अभी तो बिल्कुल सामने है. बाय ऑस्ट्रिच, फाइनली यू गिव अस द वे. बाय. पहुंच गए हैं हम लोग द साउदर्न मोस्ट वेस्टर्न, नहीं, मोस्ट साउदर्न वेस्टर्न पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हिच इज ऑफ अफ्रीका, व्हिच इज केप ऑफ गुड होप. देखिए पीछे, इट्स अमेजिंग व्यू पॉइंट. हम लोग वहां गए थे ना, केप अगुलास जो था साउदर्न मोस्ट पॉइंट, उससे ज्यादा बेटर है एक्चुअली. और इसलिए वो तो फ्री था, यहाँ आने का टिकट भी लगा है 750 रैंड्स, व्हिच इज फॉर टू पर्सन, फॉर टू पीपल, व्हिच इज बिट एक्सपेंसिव, बट इट इज ब्यूटीफुल. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा पॉइंट है. और जो इसका सीनिक रूट है ना, वो तो और भी ऑसम है. यहाँ पहुँचने का आइसलैंड का फीलिंग दे रहा था, काफी कुछ ज्यादा फीलिंग आइसलैंड जैसा. और यहाँ का बीच भी इज रियली नाइस. बीच तो खैर नहीं, मतलब लाइक रॉकी बीच है, बट वेव्स काफी अच्छे आ रहे हैं. आई एम सुपर हैप्पी, हम आ चुके हैं केप ऑफ गुड होप पे. सनसेट तो आज नहीं होगा क्योंकि हल्के से क्लाउड है, और सनसेट में दो घंटा भी है, नहीं तो और भी कलरफुल लगता है ये पूरा पॉइंट. बट नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय दिस. एवरीथिंग्स फाइन, वुडंट एक्सपेक्ट एनी मोर फ्रॉम दिस. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait trying to appreciate, and I wait trying to evaluate. Finally pahunch hi gaye Cape of Good Hope. Bachpan mein na geography mein पढ़ा था केप ऑफ गुड होप. पर मुझे याद है एक क्वेश्चन आता था ज्योग्राफी के टेस्ट में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, जिसमें ना ऐसा वर्ल्ड का मैप आता था, और वर्ल्ड के मैप में देवर थिंग्स दैट यू हैव टू मार्क इन इट. तो सहारा डेजर्ट एक चीज़ होती थी, केप ऑफ गुड होप एक और ऐसी चीज़ होती थी. और मुझे याद है मुझे उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, और फुल 5 मार्क्स आते थे, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, हिस्ट्री भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और मुझे ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और सिविक्स भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग. और मेरे हमेशा
मैथ्स में तो आते ही थे अच्छे मार्क्स, इसलिए मैं पापा मम्मी ने इंजीनियर बना दिया. वैसे सभी के पापा मम्मी ने उस एरा में सब मोस्टली को इंजीनियर ही बनाया है. बट मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में भी ना मैथ्स के बाद सेकंड बेस्ट आते थे. लैंग्वेजेस मेरा हमेशा से है ना कमज़ोर पॉइंट रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो. आई वॉज नेवर वेरी गुड एट दैट. हाँ, बट मैं जो बात बता रही थी वो बता रही थी केप ऑफ गुड होप की. तो वो जब मैंने मार्क करती थी मुझे लगता था यार केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है. कभी सोचा तो नहीं था जाने का, बट सुन के लगता था ना केप ऑफ गुड होप है. आज फाइनली यहाँ केप ऑफ गुड होप में पहुँच गए और ये देख पा रहे हैं और यहाँ की हवा को ब्रीथ कर पा रहे हैं. एक अलग ही फीलिंग दे रहा है. वैसे वहाँ दूर ना सील्स बैठी हुई हैं, थोड़ी दूर है, आंखों से तो दिख रही है, कैमरे को शायद जूम करेंगे तो दिख जाएगी, और वो आवाज़ भी निकाल रही है. तो बैठते हैं यहाँ कुछ और देर और देखते हैं इस अमेजिंग केप ऑफ गुड होप को. तो दिस इज़ द पॉइंट केप ऑफ गुड होप का, और यहाँ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों लिखा हुआ है जो हम पढ़ते थे वही ज्योग्राफी लेसन्स में. एंड दिस इज़ द पॉइंट. ये देख रही हूँ मेगा, जैसे यस जैसे डोलोमाइट में पेबल्स थे वहाँ भी लोगों ने अपने घर बना दिए थे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी लोगों ने अपने घर बना दिए हैं जो चाहते हैं कि भाई ऐसा बड़ा घर हो. दिस लुक्स क्वाइट गुड, फोर स्टोरी हाउस, ऊपर टेरेस पार्टी के लिए भी प्लेस है. शैल आई आल्सो मेक वन फॉर मी जहाँ मेरी गाड़ी चार्ज हो सके. ओके लेट मी मेक वन. सो ये घर और ये पार्किंग स्पेस, मेरे को गाड़ी चार्ज करने के लिए जगह चाहिए ना इसीलिए. और इसके बाद ओके ये मेरा ऑफिस स्पेस, ये यहाँ का ऑफिस स्पेस, और क्या चाहिए बस. बाकी तो गार्डन है एक और ऊपर और प्लेस, ये गेस्ट रूम. स्टेबल नहीं है तेरा घर? नहीं स्टेबल है. और एक और बस, ये लास्ट, ये रूफ गिरने वाली है. ढंग का दूसरा पत्थर लेके बना दूसरा. वो अच्छा नहीं है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके सो ये ठीक है. आई थिंक तूने बड़े घर की डिमांड कर दी है, थोड़ा छोटा घर साइड में अच्छा पत्थर है वो घर ले ले. अब तो मैं बड़ा घर ही लूंगा. सी शेकी घर है वो नहीं नहीं, अब कोई शेकी नहीं है. नाउ दिस इज ऑल गुड. और कहा है छोटा पत्थर? मैं ज्यादा नहीं मांगता. ये तेरा ज्यादा ही है, मैं कह रही हूँ उसके बाजू में अच्छा बेस है. बन गया फोर स्टोरी ऑफिस अलग से और पार्किंग स्पेस अलग दो कारों के लिए और बीच के सामने. बहुत मांग रहा है, क्या करेगा तू इस घर का? मैं बस रहूंगा. और अगर ये पार्टी प्लेस नहीं है, ये मेरा हेलीपैड है. पार्टी तो अपन करते नहीं है इसलिए तो हेलीपैड है ना. हेलीपैड किधर जाएगा तू हेलीकॉप्टर से? अरे ऑफिस तो नीचे ही है तो घूमने के लिए. नहीं हेलीपैड बनाऊंगा यहाँ पर, हेलीकॉप्टर नहीं है, ड्रोन आऊंगा ऐसे. ड्रोन यार, ड्रोन लैंड कराऊंगा. हाँ यू नीड अ प्लेस टू लैंड योर ड्रोन एंड फ्लाई योर ड्रोन. साउथ अफ्रीका में तो तू ड्रोन फ्लाई ही नहीं कर पाया. यहाँ तो 90% जगह पर ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं था. ध्यान नहीं दिया मैंने, लाया नहीं ड्रोन, पर आई एम श्योर वहाँ पर पार्क के सामने कोई लगा होगा साइन कि यू कांट फ्लाई. सो दिस इज द होम जो सौरभ ने बनाया है, आप लोग देख लीजिए सौरभ की डिमांड. तो करते हैं इस केप ऑफ गुड होप को बाय, और होप यही करते हैं कि सब दुनिया में अच्छा हो, सब आपके साथ अच्छा हो, सब हमारे साथ अच्छा हो, एवरीबडी इज़ हैप्पी, और जो आप चाहे वो आपको मिल जाए. इस होप के साथ इस केप ऑफ गुड होप को बाय करते हैं. और आज हमारा ये आखिरी साउथ अफ्रीका में फुल डे है. कल हम कुछ ना हिस्ट्री पता करना चाहते हैं. कल हमारी रात को फ्लाइट है 11 बजे, 1 बजे इनफैक्ट, मतलब बहुत ही रात में. तो फिर हिस्ट्री पता करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं वो सब देखना है. तो देखते रहिए हमारी ये साउथ अफ्रीकन ट्रैवल सीरीज़, और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, बहुत ज़रूरी है. लाइक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और कमेंट करके बताइएगा. बट लेट्स गो एंड बाय टू दिस केप ऑफ गुड होप.